14.45 सीसी के सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वॉल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकन रतन, यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। अगर आप भी एक बजाज फैन हो और आप BS4 या फिर BS3 से अपग्रेड करके BS6 पे आना चाहते हो और आपका बजट उतना नहीं है, तो फिर बजाज प्लेटिना 110H गियर आपके लिए एक फुल पैकेज हो सकता है। तो फिर आइए जानते हैं बजाज प्लेटिना 110H गियर के बारे में। लुक्स के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर आपको नेकेड स्ट्रेट फाइटर लुक्स में देखने को मिल जाती है। कलर के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर आपको 6 डिफरेंट कलर वेरियंट में देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको बीच ब्लू, चारकोल ब्लैक, वोल्केनो मैटी रेड, इवोनी ब्लैक ब्लू, इवोनी ब्लैक रेड और चाकल वाइन रेड ऑरेंज कलर वेरियंट देखने को मिल जाती है। लाइटिंग के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर आपको फ्रंट में LED DRL के साथ हैलोजन हेडलैम्प और हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको रियर में हैलोजन टेल लैम्प के साथ हैलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल मीटर और टाइम भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बाइक में आपको न्यूट्रल, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको लेफ्ट हैंड साइड में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में हेडलैम्प ऑन ऑफ बटन और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको 11 लीटर का मेन फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ 2 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। माइलेज के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको 60 टू 70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको 115.45 सीसी के सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वॉल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको 816 PS की मैक्सिमम पावर और 9.81 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। गियरबॉक्स के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको 97 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप 135mm ट्रेवल सस्पेंशन और रियर में 110mm विल ट्रेवल SOL सस्पेंशन विथ अ नाइट्रोक्स गैस कनिस्टर देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक की सुविधाएं देखने को मिल जाती है। टायर साइज के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको फ्रंट में 80x100 सेक्शन के 17 इंचेस वाली और रियर में 80x100 सेक्शन के 17 इंचेस वाली ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। व्हील टाइप के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है। सीट हाइट के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको 804mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस और कार वेट के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको 200mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 122kg की कार वेट भी देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको राउंड शेप एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको एक कॉन्फिनिश एग्जॉस्ट गार्ड भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बाइक में आपको डबल स्टैंड किक स्टार्ट क्लोज चेन बॉक्स टाइप स्विंग गम साड़े गार्ड पिलियन ग्रैबल्स और ट्रायंगुलर शेप मिरर भी देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो बजाज प्लेटिना 110H गियर में आपको 63,795 रुपीज की एक्स शोरूम और 76,178 रुपीज की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।